आज की कहानी गटर का प्रेत, आइए देखते हैं। ओ भैया, ओ भाई साहब, आप। हाँ, आप सही बोल रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया भाई साहब, दिखाई नहीं देता क्या? पान खाके थूक रहा था। तुम्हारी पैंट में तो ना थूका है ना, तुमने कहा मिर्ची लग रही है। अरे एक मिनट, पीछे हटो। क्या कर रहे थे तुम? सब ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, पर जरा ध्यान से, पता नहीं कब किसको क्या बुरा लग जाए। पर हमने तो कुछ करो ही ना है, आपको कौन बुरा लगेगा? अब इंसान इधर उधर दीवार पे गंदा करे तो बोलना समझ आता है, गटर में भी ना थूके। अरे अब क्या कहूँ भाई साहब, आपको पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना ऐसी बातों में जान भी चली जाती है। क्या 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 कहा? गटर में थूकने से जान जाओगे? लंबी कहानी है, मेरी बस आ रही है, आपको कहाँ जाना है? भाई साहब खाली बैठे रहते, पान चबाए लगे, पर अब आपकी कहानी सुने बिना ना जाएंगे। चलिए आपके साथ बस में वापस आ जाएंगे, समय भी कट जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। बहुत फुर्सत में है, ठीक है, चलिए फिर। हाँ, तो शुरू करें। श्री गणेश करे जजमान। मेरा नाम सत्येंद्र है। ओ सतिंदर पाजी, नहीं साहब, सत्येंद्र त्रिपाठी, सरदार नहीं हूं। और आप? हमारा नाम ब्रजेश, ब्रजेश यादव। अच्छा, तो ब्रजेश जी, आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 4 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। ओ मैं गांव में रहता था। हमारे गांव में एक चोपड़े वाला सीवेज हुआ करता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ भूत प्रेत का चक्कर था। उस समय एक किराने की दुकान में मैं काम करता था। अच्छा जी, मुझे शुरुआत से ही खेल कूद का शौक रहा है, तो उन दिनों मैं गली के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा, कभी क्रिकेट खेला करता था। आज मैं आपको जो वाकया सुना रहा हूं, उस वाकये के कारण कई बच्चों की अकाल मौत हुई है। का बात कर रहे हैं? कैसे? वो क्या था, एक दिन हमारी दुकान के सेठ जी के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने हमको जल्दी छोड़ दिया दुकान से, तो हम वही एक खुले मैदान में छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। हमारी तो आदत ही थी, बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते थे। बढ़िया बढ़िया, आगे बताइए। तो उस दिन भाई साहब, खेलते खेलते अचानक बबलू ने गेंद बहुत जोर से मारा और वो गेंद चौकड़ी वाले खुले सीवेज में जा गई, तो अनवर वहां पास खड़ा था। वो किसी पेड़ की टहनी से गेंद निकालने की कोशिश करने लगा। तब तक ठीक था, पर अचानक गटर में तेज हलचल हुई। अनवर फौरन घर के पीछे हट गया। सारे बच्चे वहां तमाशा देखने खड़े हो गए। बच्चों का क्या है, मस्ती में रहते हैं, तो एक के बाद एक सभी बच्चे उठा उठा के पत्थर गटर में मारने लगे। मैं भी वहां गया और वहां क्या हो रहा है देखा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने उन बच्चों को उस सीवेज से दूर कर दिया। बच्चे तो दूर हो गए, पर मेरी नजर अचानक सीवेज के पूरे पानी पर पड़ी। तब कुछ आकृति वहां दिखाई दी। क्या कह रहे हैं आप, सच? जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गटर के पानी में कोई पीले आंखों वाली आकृति छुपी है, और वहां से बहुत दुर्गंध आने लगी। वो सूंघ के सर पटा जा रहा था, मेरे समझ से बाहर था सब, पर उस वक्त मेरी किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। हम सब लोग वहां से अपने अपने घर लौट गए। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था और बार बार नजर उस चौकड़ी वाले सीवेज पर ही जा रही थी। मेरी खिड़की दूर है, पर वहां से सीवेज दिखता है। आधी रात को मैंने देखा कि उस गटर के पानी में खलबली मच रही है। मैं आंखें फाड़ के उसे देखने समझने की कोशिश में लगा था, तभी कुछ धुएं जैसा साया उड़ के सीवेज के ऊपर जैसे नाच सा रहा था। मैं हैरान था ये दृश्य देखकर,
मेरे पैर कांप रहे थे और फिर थोड़ी ही देर में वहां मुझे अनवर दिखा। वो बाल वाला बच्चा? हाँ, अनवर को वहां गटर की तरफ जाते देख मैं अचंभे में पड़ गया। मैंने चीख कर अनवर को आवाज दी, अनवर कहाँ जा रहा है? मेरी आवाज सुन के वो मेरी तरफ मुड़ा। अचानक उसने आंखें खोली और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो रुक गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर अब वो धुएं वाला साया उसे खींचने लगा। वो साया उसे घसीटते हुए गटर के अंदर ले गया। क्या? मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर मैं फौरन चिल्लाता हुआ गटर की तरफ भागा। वहां पहुंच के मैंने देखा तो गटर का पानी बुरी तरह से हिल रहा था और बुलबुले छोड़ रहा था। पर मैं क्या करता? मुझे लगा कि वो प्रेत अनवर को ले गए। मैं वहां पास में ही बैठ के जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा मदद के लिए। सुनसान रात में मेरा रोना सुन के सब लोग इकट्ठा हो गए। अनवर की अम्मी भी आ गई थी। उन्होंने मुझे रोता देख के पूछा तो मैंने रोते रोते सारा किस्सा सुना दिया। वो मेरी बात सुन के हैरान हो गई, फिर कुछ देखते हुए हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अनवर तो वो खड़ा है उधर। तुम कुछ भी ख्वाब देख रहे होंगे। जाओ जाओ, घर जाओ और सो जाओ, गटर का प्रीत। उस रात मेरा खूब मजाक बना। अनवर को ठीक देख के मैं भी हैरान था। मैं चुपचाप वहां से घर लौट गया। पर ठीक 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के बंसी की बुखार से मौत हो गई। मैं बंसी के घर गया तो मैंने देखा कि उसके हाथों में कुछ काटने के निशान थे। फिर उसकी दादी ने बताया कि कल खेल खेल में उसका झगड़ा हो गया था अनवर के साथ और अनवर ने बंसी को काट लिया था। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं समझ गया था कि बंसी की मौत बुखार से नहीं बल्कि अनवर के काटने से हुई है। तो मैं अपना शक दूर करने के लिए शाम को अनवर के घर गया। अनवर, उस रात में सीवेज पर तू ही था ना? तूने ही बंसी को काटा ना, उसकी जान ली? क्या जवाब दिया? उसने जवाब ही नहीं दिया। वो पीछे पलट गया और कुछ अजीब सी शैतानी हंसी हंसने लगा। मैं उसके सामने गया और कहने लगा, अनवर अपना मुंह खोल, दांत दिखा। फिर उसने जवाब तो नहीं दिया, पर अब मुझे उसके शरीर से कुछ पहचाने सी बदबू आने लगी। वो गुस्सा सा होने लगा और मुझे पागलों जैसा घूरने लगा। मैं भी सकपका गया और उसकी तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में घूरने लगा। तब मुझे उसकी आंखों में वो पीली चमक नजर आई जो मुझे उस दिन गटर में दिखाई दी थी। वो दृश्य देख के मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं वहां से चला गया। मैं तो इतना डर गया था कि मैंने उसके बाद मोहल्ला भी छोड़ दिया, नानी के घर जाके रहने लगा। लेकिन कुछ हफ्तों में खबरें आने लगी कि उस गांव में कई बच्चों की रहस्यमय ढंग से मौतें हो रही है। और अनवर? मोहल्ले में सब लोग उन मौतों को अब अनवर के साथ जोड़ रहे थे। तो अनवर के अम्मे अब्बू, अनवर फौरन सामान बांध, हमको अभी के अभी शहर जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ पड़ा है। वो लोग शहर छोड़ के चले गए, पर बाद में सुनने में आया कि अनवर बिना बताए कहीं चला गया है, गुम हो गया है। वो गायब हो गया? उसके माता पिता के लिए वो भले ही गायब हो गया होगा, पर मेरा दिल जानता है कि अनवर तो उस रोज ही वो गटर वाले प्रेत की बलि चढ़ चुका था। अरे बाप रे, वो बहुत ही डरावनी कहानी थी भैया आपकी, पर हमको इन सब बातों में यकीन नहीं है। पर आपके साथ बड़ा अच्छा समय कटा। चलिए हम इस स्टॉप पे उतर रहे हैं अभी और दूसरी बस से लौट जाएंगे। तो आपने मेरी बात से कोई सबक नहीं सीखा?
अरे कैसा सबक बाबूजी, अब पान जैसी चीज अगर गटर में ना थूके तो कहां थूके। चलिए प्रणाम और कहानी के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। गांव में अक्सर भूतों की कई कहानियां होती हैं। ऐसी ही एक और मजेदार कहानी है भूतों का गांव, जहां रात को भूतों का तांडव होता है। अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। और अगर आपने ना देखी हो तो लिंक पे क्लिक करके जरूर देख लीजिए कैसे एक जर्नलिस्ट अपनी स्टोरी के लिए उस गांव में आता है। ये आवाज कैसी, कौन है वहाँ? मेरे कान पे कुछ काटा, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो चमगादड़ है, मेरा कान काट गया। सच में बहुत डरावनी जगह है। आगे का जानने के लिए तो वीडियो देखिए। और मैं फिर अगले हफ्ते आऊंगी आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर। सी यू। सब्सक्राइब टू